तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इस बार काफी शानदार और जबरदस्त रहा, जहां इस वर्ल्ड कप 2023 में छोटी छोटी टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाया है। अफगानिस्तान, नीदरलैंड जैसी टीमों का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी शानदार रहा है और इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का इस वर्ल्ड कप 2023 में बुरा हाल रहा है। तो आखिर इन बड़ी टीमों का क्या है सिनेरियो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने का, जबकि आपको बताएंगे कि आखिर वर्ल्ड कप 2023 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल अंक तालिका क्या है, कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है कितने अंकों के साथ, जबकि वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 4 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं, तो वहीं वर्ल्ड कप 2023 से अब तक कौन कौन सी टीम पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। तो अगर हम सबसे पहले वर्ल्ड कप 2023 में कुछ बड़े उलटफेर की बात करें, तो अभी वर्ल्ड कप 2023 की मैच नंबर 23 में अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को एक तरफा 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया। आप इसे उलटफेर नहीं कह सकते हैं, अफगानिस्तान की टीम में अब वो दमखम है कि बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकती है। अफगानिस्तान की टीम ने उससे पहले पाकिस्तान को 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया था, तो वहीं उससे पहले इंग्लैंड की वर्ल्ड चैंपियन टीम को भी 69 रन से धूल चटाया था। इसके अलावा नीदरलैंड की टीम ने भी इस विश्व कप में 2 बड़े उलटफेर किए, जहां एक मैच में बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से हराया, तो वहीं उससे पहले नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को भी इसी टूर्नामेंट में बुरी तरह से हराया था। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन सभी टीमों के बारे में जो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड की टीम नहीं पहुंच पाएगी। जी हां, इंग्लैंड की टीम फिलहाल 10वें स्थान पर है, जो 6 मैच में से मात्र एक ही मुकाबला अभी तक जीत पाई है और 5 मैच में इस टीम को करारी शिकस्त मिली है, -1.652 इनका नेट रन रेट है और 2 ही अंक इस टीम के हैं। और यही स्थिति बांग्लादेश की भी है, जहां इंग्लैंड और बांग्लादेश ये दोनों टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अब यहां से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही टीम अगर यहां से बाकी बचे अपने 3-3 मुकाबले बैक टू बैक जीत भी जाते हैं, तब भी इनके टोटल 8 ही पॉइंट्स, 8 ही अंक हो पाएंगे। इसके अलावा 8वें स्थान पर नीदरलैंड्स की टीम है, 7वें स्थान पर पाकिस्तान और 6ठे स्थान पर श्रीलंका की टीम है, जहां ये तीनों ही टीमें अपने शुरुआती 6-6 मुकाबले खेल चुकी हैं और इन तीन की तीनों ही टीमों को अपने शुरुआती 6 मुकाबलों में से 2-2 मैचों में जीत मिली है और 4-4 मुकाबले ये तीनों ही टीम हार चुकी हैं और इन तीनों टीमों के पास फिलहाल 4-4 अंक है और तीनों ही टीमों का नेट रन रेट भी माइनस में है। तो ऐसे में ये तीनों ही टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है, सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है। जी हां, इन तीन टीमों में से जो भी टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीत लेती है, तो उस टीम के टोटल 10 अंक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की टीम है, अगर पाकिस्तान अपने बाकी बचे 3 मुकाबले जीत लेती है तो उसके 10 अंक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये टीम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, दूसरे टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों में से कोई एक टीम या फिर दोनों ही टीम अपने बाकी बचे 3 के तीनों ही मुकाबला हार जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। कोई एक टीम या फिर दोनों ही टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले भी हार जाती है तो भी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन फिर नेट रन रेट देखा जाएगा, नेट रन रेट जिसका बेहतर होगा वही टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों में से कोई एक टीम या फिर दोनों ही टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले हार जाएंगी तो उसके भी टोटल 10 अंक रह जाएंगे और पाकिस्तान अगर अपने बाकी बचे 3 मुकाबले जीत लेती है या फिर श्रीलंका या फिर नीदरलैंड्स, तो इनके भी टोटल 10 अंक रह जाएंगे, वहां पर देखा जाएगा नेट रन रेट। इसी वजह से इस वर्ल्ड कप 2023 में नेट रन रेट काफी मैटर करने वाला है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स इनके पास एक और बढ़िया विकल्प है, वो ये है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स इनमें से जो भी टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीत जाती है, तो फिर अगर साउथ अफ्रीका की टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबले बैक टू बैक लगातार हार जाती है तो फिर साउथ अफ्रीका के भी टोटल 10 अंक रह जाएंगे और इन तीन में से जो भी टीम अपने बाकी बचे 3 मुकाबले जीत लेगी उसके भी टोटल 10 अंक रह जाएंगे, तो फिर जिस टीम का नेट रन रेट बढ़िया रहेगा वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बीच में अफगानिस्तान की टीम भी दिक्कत देगी, क्योंकि अफगानिस्तान फिलहाल मजबूत स्थिति में मौजूद है, तो ऐसे में दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम भी अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हार जाए या फिर कम से कम 1 मुकाबला हार जाए, बैक टू बैक अपने तीनों ही मुकाबले लगातार ना जीत पाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की टीम बीच में अपनी टांग अड़ाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के बाकी बचे 3 मैचेस जो हैं, एक नीदरलैंड के खिलाफ है, अगर अफगानिस्तान की टीम नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला जीत जाती है और जीत भी सकती है तो फिर भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम को मैच खेलना है, जो काफी कठिन होने वाला है अफगानिस्तान के
लिए ये तीन मुकाबले जीतने लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन चार टीमों के बारे में जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। तो पहली टीम है भारतीय टीम। टीम इंडिया की जगह कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। भारतीय टीम ऑलरेडी 6 में से लगातार 6 मुकाबले जीत चुकी है। तो टीम इंडिया लगभग ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। अब यहां से बाकी बचे 3 मैच में से टीम इंडिया अगर सभी मुकाबले हार भी जाती है तब भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया बाकी बचे 3 मैच में से एक और मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया की जगह ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगी सेमीफाइनल में। अब बात करें दूसरी टीम की तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की भी जगह ऑलमोस्ट कंफर्म और फाइनल हो चुका है सेमीफाइनल में। जहां साउथ अफ्रीका 6 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है, मात्र एक ही मैच ये टीम हारी है। 10 अंक इस टीम के +2.032 इनका नेशनल रेट है। साउथ अफ्रीका के भी 3 मुकाबले और बचे हुए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम अब यहां से बाकी बचे 1 मुकाबला और जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका की जगह कंफर्म हो जाएगी सेमीफाइनल में। तो वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दोनों ही टीमों के पास फिलहाल टोटल 8-8 अंक है, लेकिन न्यूजीलैंड का नेशनल रेट थोड़ा बेहतर है। इस वजह से न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है, जहां ये दोनों ही टीम अपने शुरुआती 6 मुकाबलों में से 4-4 मुकाबले जीत चुकी हैं। दो दो मैच में दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। तो इन दोनों ही टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 3 में से 2-2 मैचेस और जीतने होंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन ये दोनों ही टीम अगर अपने बाकी बचे 3 के 3 ही मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीत लेती है तो इनकी जगह 100% कंफर्म और पक्की हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। उन्हें कोई भी टीम सेमीफाइनल के रेस से बाहर नहीं कर सकती। तो खैर अभी इस वर्ल्ड कप 2023 में काफी कुछ होना बाकी है। अगर यहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खराब प्रदर्शन करती हैं तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका जैसी टीमों के चांस बन जाएंगे। खैर इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम तो पूरी तरह से बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर आपको डेली लगातार क्रिकेट और आईपीएल की हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए।